नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक ऐसा बयान दिया कि इस्लाम को मानने वाले लोगों में हड़कंप मच गए। उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उनका कहना है कि कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उनका दावा है कि ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई। इसी बयान के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया। वसीम रिजवी के बयान के खिलाफ दरभंगा किला घाट मदरसा के सामने उनका पुतला दहन किया गया। पुतला दहन सैयद खलीक उज़्ज़मा उर्फ पप्पू सरदार की अध्यक्षता में मदरसा किला घाट के सामने वसीम रिजवी का पुतला दहन किया गया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से वो मांग करते हैं कि अविलंब वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर फांसी दिया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। इस मौके पर सैयद खलीकुज़्ज़मा, अकरम सिद्दीकी, मोहम्मद इलसाद, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अदनाम, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद जुहैर, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद रौनक, मोहम्मद इलसाद अली, मोहम्मद कसिम आदि मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इन तस्वीरों में देख सकते आइए तो सुनते हैं पप्पू सदा उर्फ सैयद खलीकुज़्ज़मा और मोहम्मद अकरम सिद्दीकी साहब ने और क्या कहा। उसका नाम है वसीम रिजवी, जो कटर का कीड़ा भी कुछ अच्छी चीज का देख के साइड भाग जाता है, लेकिन वसीम रिजवी वो कमीना आदमी है कि उस कमीने ने 26 आयत को कलम पाक से हटा 26 आयत को हटाने का कलम पाक में कोर्ट में केस अनाउंस किया। रे मूर्ख, कलम पाक के एक नुक्ता को तुम हटा देगा तो ये भूल गई है, तू हिंदू दुनिया नहीं रहेगी। तो तुम 26 आयत को हटाने की बात करता है, ऐसे कमीने गद्दारों को जो हिंदू मुस्लिम की एकता को और गलत अल्फाज गलत तरीके से मुसलमान को के धार्मिक किताबों को किसी की भी धार्मिक किताब को बोलने का किसी को राइट नहीं है, उस कमीने को इसकी सजा फांसी होनी चाहिए। वसीम रिजवी है कौन? ये वसीम सिया बोर्ड के चेयरमैन है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे आदमी को अपने कुर्सी से सबको हटाया जाए और ऐसे ऐसे इंसान को फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार से आगाह कर रहा हूँ कि ये बात वसीम रिजवी जो किसी के धर्म के बारे में गलत तरीके से बात करता है, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ ऐसे भी इंसान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे गद्दारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप? मैं वसीम रिजवी का पुतला दहन करना चाहता हूँ। कहाँ पर कर रहे हैं? किला घाट चौक पर। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सैयद खलीकुज़्ज़मा। कोई आके कहे कि बाइबल बदल दो, कोई आके कहे कि कुरान बदल दो, कोई आके कहे कि मुल्क बदल दो, भारत बदल दो, क्या चल रहा है देश के अंदर? ये पागलों की सरकार है क्या? और ये उत्तर प्रदेश सरकार सो क्यों अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले रही है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरा सहयोग है। इस सहयोग की वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है। कुरान को बदलने की बात कर रहा है, क्या ये अपने माँ बाप को बदल देगा वसीम रिजवी? हम भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे वसीम रिजवी के माँ बाप, दादा, परदादा, लकर दादा, पूरे 7 खानदान को बदल दिया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट बदल देगा? मैं पूरी आशा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर वो जरूर संज्ञान लेंगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर पूरी पूरी कार्रवाई होगी, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये अभी तो हल्का सा आंदोलन है, इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। देश पूरी तरीके से ग्रस्त है, किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, बैंकों का हड़ताल चल रहा है, रेलवे बिक गया, देश में बचा क्या है? ये जो खुराफात करने को पड़ा हुआ है क्या? देश में लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, भाईचारा कैसे बनेगा, उस पर कोई काम नहीं है? और कुरान की 26 आयत को बदलने चला है। हम उलमाओं की टीम से संपर्क करने जा रहे हैं, सऊदी अरबिया खत लिखेंगे इनके खिलाफ कि ऐसे बेहूदे लोगों को हज पर बैंड लगाया जाए, और भारत सरकार से अपील करते हैं कि पासपोर्ट पर जो पासपोर्ट लिखते हो उसमें जो कास्ट जो रिलीजन लिखा जाता है उस रिलीजन पर इसको मुसलमान मुस्लिम नहीं मुनकिर लिखा जाए, वसीम रिजवी को मुनकिर लिखा जाए। ये मुनकिर है कुरान का, कुरान की 26 आयत को बदल रहा है। कुरान बदलेगा देश दुनिया खत्म हो जाएगी, क़यामत बरपा हो जाएगी। कुरान का बानी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कुरान नहीं लिखा है, कुरान अल्लाह सुबहाना ताला ने लिखा है। इसमें कोई इसको बदल नहीं सकता, ये क़यामत की सुबह तक ये कुरान नहीं बदली जा सकती है। ये क्या बेहूदापन है? कोई आएगा कुछ बदल दो, कोई आएगा कुछ बदल दो, कोई काम वाम नहीं है।
ये बहुत बड़ी राजनीति को बुला रहा है और ये पूरी तरीके से बंगाल के चुनाव को उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस तरह का सिया सुनी कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। ईरान देखिए सिया कम्युनिटी का सबसे बड़ा देश है, आज तक कुरान शरीफ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तुम कब पैदा हुए, तुम्हारा क्या इतिहास है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें कौन जानता है, तुम पब्लिक में फेमस होना चाहते हो? ईरान इतना बड़ा सिया का मुल्क है, ईरान ने कभी कुरान शरीफ पर आपत्ति नहीं जनाई और तुम आपत्ति जना रहे हो। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये हमारी बात जनता के बीच जाए, ये देश बचे, इस देश का भाईचारा बचे, ऐसे लोगों के ऊपर पूरे देश को एकजुट होकर इसके पिछवाड़े पर लात मारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम क्या बोले? मेरा नाम अकरम सिद्दीकी है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्या ये सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए रिजवी बार बार इस तरह के तथ्यों के साथ सामने आ जाते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये राजनीतिक बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। वो इस्लाम धर्म के खिलाफ, इस्लाम में रह के इस्लाम धर्म के खिलाफ जाएगा तभी तो मोदी जी अपने बगल में बैठाएंगे इनको। आप जाइए इस्लाम के खिलाफ, फत्ते का फतवा सुना था ना, पाकिस्तान से आया था, इस्लाम के खिलाफ बोला तो मोदी जी ने उसे सब कुछ मुहैया करा दिया, सिक्योरिटी दे दी, रहने के लिए जगह दे दिया, हर कुछ दे दिया। आप बांग्लादेश से एक आई, वो इस्लाम के खिलाफ बोली, उसको भारत सरकार सहूलत दिया रहने सहने का। तो आपको हीरो बनना है, अगर आप मुसलमान हो तो आप मुसलमान धर्म के खिलाफ बोलो, आप हीरो हो जाओगे। भारत सरकार का तो काम ही वही है।